सिवान के एसपी नवीन चंद्र झा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है उसमें यह कहा है कि जो भी पटाखे दिवाली के दिन छोड़े जाएंगे उसका समय 8 से लेकर के 10 बजे तक का होगा। अगर 10 बजे के बाद से अगर कोई भी व्यक्ति अगर पटाखा छोड़ता है तो उस पर सिवान की पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगी। वही सिवान के एसपी नवीन चंद्र झा ने यह भी कहा कि जो भी गोडाउन है पटाखों के या फिर जो भी गैर लाइसेंसी दुकानें हैं उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित कर उन्हें सील भी किया जाएगा और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पटाखा बेचने वाले लोगों पर सिवान पुलिस की कड़ी नज़र है और आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाई होगी अगर वो बिना लाइसेंस के पटाखे अपने दुकान में रखें या फिर गोडाउन में रखे होंगे। और ख़ास करके दिवाली में आतिशबाजी करने वालों के लिए भी यह थोड़ी सी बुरी खबर है क्योंकि 8 बजे से ही 10 बजे तक के बीच में ही पटाखा आप लोग छोड़ सकते हैं और 10 बजे के बाद अगर पटाखा आप छोड़ेंगे तो फिर जिला प्रशासन आप पर कानूनी कार्रवाई करेगी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि एसपी नवीन चंद्र झा ने और क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है अनुपालन कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की है और मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने स्तर से भी पटाखों को छोड़ने का जो निर्धारित मानक है उसका पालन करेंगे। इसके अलावा हम लोग दीपावली और छठ के लिए जो सभी तैयारियाँ हैं वो हम लोग कर रहे हैं और जो फोर्स और का डेपुटेशन उसके अलावा महिला पदाधिकारियों और सिपाहियों का डेपुटेशन किया जाएगा। आज ही हम लोगों ने निर्देश दिया है सभी थाना अध्यक्षों को कि जो उसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन दिया गया है पटाखों के संबंध में उसमें यह भी है कि जो अवैध या बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर भी रोक लगानी है। तो हम लोगों ने निर्देश दिया है सभी थानों को कि जो अवैध तरीके से जो भी पटाखे के गोदाम हैं उस पर रेड करके और संबंधित विभाग के साथ मिल के कार्रवाई करेंगे। 10 बजे के बाद अगर कोई पटाखे छोड़ते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। छोटे छोटे